आप जीत कर आज यहाँ सबके बीच बैठे हैं। इसको मैं कह रहा हूं कि अवसर है आप जिस प्रकार से रहकर भी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। सब एक है, इस समाज में जो विकृत हो जाता है, सब कुछ भगवान का है, संसार भगवान का है, आपकी पत्नी, आपके खेत खलिहान, ये सब भगवान के हैं। और ये भगवान ने हमको एक अवसर दिया है, इसका सदुपयोग करें। सदुपयोग क्या हो सकता है इस पर आप, सबसे पहली बात है आप जो बने हैं उसके अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी आपको करनी चाहिए। अधिकार मांगे जाते हैं और कर्तव्य किए जाते हैं, कर्तव्य मांगा नहीं जाता। बहुत महत्वपूर्ण है अपने कर्तव्य को समझना। अपने पास सभी पद है तो जिनके पास रहने से है उनके अलावा फोटो क्लिक करिए इसमें। ओ, कर लें साहब। हमारे माता पिता जो सबसे पहले पूछते हैं और आप देख अपने पास सभी पद है तो जिनके पास रहने से है उनके अलावा फोटो क्लिक करिए इसमें। ओ, कर लें साहब। हमारे माता पिता जो सबसे पहले पूछते हैं और सर समाज के जनप्रतिनिधियों को एक करने की आज कोशिश की गई, सबको समाज का विकास कैसे हो इसके लिए आज कार्यशाला आयोजित की गई, तो किस प्रकार की कार्यशाला थी और क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? प्रजातंत्र है, इस लोकतंत्र में अपनी ताकत बताए बिना कोई सुनवाई नहीं है, तो इतने जनप्रतिनिधि कोई भी एक ही बात को लेकर के, एक ही समस्या को लेकर सामूहिक रूप से कोई काम करेंगे तो वह ताकत निश्चित रूप से काम आएगी। ये संदेश देना चाहते हैं कि मिल के काम, जाति पाति का नहीं, गांव का, क्षेत्र का नहीं, हमको तो ये रखना है कि हम एक रहें, समाज टूटे नहीं। छोट मोट की कोई बात इसमें बीच में नहीं आनी चाहिए या कोई दुश्मनी की बात इसमें नहीं आनी चाहिए। क्षेत्र का विकास होना चाहिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए हम सब एक हैं, इसके लिए ये कटिबद्ध हुए हैं। राजनीतिक पार्टियों को लेकर कई ऐसे समाज के जो जनप्रतिनिधि है वो अलग अलग विचारधाराओं के होते हैं, तो समाज के प्रति सभी की एक विचारधारा हो इसके लिए भी कोई बात रखी गई है? नहीं, अभी नहीं हुई, लेकिन समय समय पर होती रहती है।
ये चलती रहती है कि हम अलग अलग पार्टियों में भले ही हों, और ऐसा व्यवहारिक रूप से भी हुआ है, अनेकों मुद्दे ऐसे आए हैं तो सभी पार्टियों के लोग किसी भी किसी का राज है तो साफ जाकर के मिलते हैं तो काम होता है, साथ रहेंगे तो काम होगा, वरना तो नहीं होगा। किस प्रकार का कार्यक्रम है रांडी उपाध्याय संस्थान में किया जा रहा है? श्री छात्र प्रसाद फाउंडेशन के तत्वावधान में आज पंचायती राज जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। क्या है इसका उद्देश्य और कौन कौन उपस्थित यहाँ पर हुए हैं? आज श्री क्षत्रिय युग संघ के संघ प्रमुख साहब भगवान सिंह जी रोल साहब सर के सानिध्य में, रेवंत सिंह जी पाटोदा के सानिध्य में, जितने बाड़मेर जिले भर के राजपूत समाज के तकरीबन 200 से भी अधिक राजपूत सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और पार्षदगण यहाँ आए हैं। और हमारे मूल विषय दो थे कि ये जो सामूहिक शक्ति है इसका किस प्रकार से समाज हित में सर्वाधिक इसका उपयोग किया जा सके, सकारात्मक सामाजिक भाव वाले जो व्यक्ति हैं उनका किस प्रकार से संयोजन किया जा सके ताकि स्वयं का भी विकास हो और समाज का विकास हो और हम छत्तीसी कौम के विकास में किस प्रकार से सहयोगी हो सकें। जो कि स्वधर्म की बात की जाती है, क्षत्रिय के लिए स्वधर्म से बढ़कर कोई बात नहीं, स्वधर्म उसका यही कहता है कि आप सबके हितों की रक्षा के लिए आगे आएँ, आगे बढ़ें। और सरपंच और जनप्रतिनिधि सदस्य जो हैं वो बिना किसी शक के पूरे गाँव के प्रतिनिधि होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी और ही बढ़ जाती है कि वो छत्तीसी कौम के हितों का ध्यान रखें, स्वयं के हितों का भी ध्यान रखें और समाज हित में किस प्रकार से उनकी ऊर्जा का सदुपयोग हो सके, इसके बारे में आज चर्चा वगैरह करी गई।